अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शिव, शिव, उसे कहाँ चली गई गौरी हमारे शिव को लेकर? कहाँ ढूंढे हम उसे? कृष्णा, हम तुम्हें जान से मार देंगे। कृष्णा, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है ना? एक बार फिर तेरी वजह से गौरी हमारे शिव को लेके भाग गई। हमें माफ कर दीजिए दादी, आई एम सॉरी। हम बस शिव्या को गौरी आंटी से बचाना चाह रहे थे। अच्छा, पहले तो खुद होशियारी दिखाओ और बाद में सॉरी बोलो। कैसी बातें कर रही हो तुम सरस्वती? वो छोटी सी बच्ची कम से कम अपने भाई को बचाने की कोशिश तो कर रही थी और तुम उसे इस तरह से खरी खोटी सुना रही हो। तुम बात करने की तमीज भी भूल गई हो क्या? आप भी हमें ही कहेंगे ना, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है उसकी जड़ ये है गोपी। आंटी जी, क्या बोल रही है आप? ये बच्ची है गोपी और वो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या गलत कर रही थी वो? तुम किस हक से हमें कुछ बोल सकते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा हमारा? और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है और तुम इस सब में ना पड़ो, यही बेहतर होगा, समझे? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज। पहले तो हमें ये बताओ कि हमारा बेटा शिव कहाँ है? जब पूछ रही हूँ, हमारा शिव कहाँ? शिव कहाँ है जाने तुम्हें? हम किस दिन बताएंगे तुम्हें हमारा शिव कहाँ है? क्या कर रही हो? होश में आओ। होश में आए हम? होश में आए? हाँ, आ गए अब होश में, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि तुम कृष्णा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा काल हो। ऐसा काल हो जिसमें भरी सारी खुशियां निकली, बचपन से लेकर आज तक देखते आए। तुम्हारी वजह से हमें वो सुख, वो प्यार अभी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारे हिस्से की सारी खुशियां तुम खा गई। फिर चाहे वो हमारे भाई बाबा हो, अमू को, जीत हो या फिर शिव, जो प्यार हमें मिलना चाहिए था ना, तुमने छीना हमसे, क्योंकि हमसे ऊपर हमेशा तुम्हें रखा गया। हर किसी ने हमारी तुलना तुमसे की, किसी ने पहला दर्जा हमें जिंदगी में दिया ही नहीं। तुमने बहुत कुछ छीन लिया हमने कृष्णा, सब तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्योंकि हमने कभी भी तुम्हारी तरह श्रेष्ठ बनने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा सबका ख्याल रखा है, सबके बारे में सोचा है। तुम्हारे जैसे खुद गर्ज नहीं है हम। हाँ, हम खुद गर्ज है ना। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं वो सब हम में है, जितने ऐप है वो सब हमारे अंदर है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत महान हो। सबके बारे में सोचती हो ना खुद से पहले, लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम तो अपने बारे में सोचते थे, पहले अपने बारे में सोचते थे, हमें हीरोइन बनना इस बारे में सोचते थे, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि एक वक्त ऐसा भी था जब हमने अपने प्यार के बारे में सोचा, अपने बच्चे के बारे में सोचा, किसी ने नहीं देखा वो सब। एक बार हमारा देखो क्या हालत होती है हमारी। पता है कभी कभी हमें ना अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आता है। मैं खुद के बेटे को ऐसे चोरी छुप के चोरों की तरह पकड़ के लेके जा रहे हैं। हमारा अपना परिवार, अपनी दादी, अपनी अम्मू हमारे दुश्मन बने फिर रहे, कुछ नहीं बचा हमारे पास।
कुछ नहीं बचा मेरे पास तुम्हारी वजह से। ये सब तुम अपने बुरे कर्मों का, पापों का फल भोग रही हो और इसे तुम्हें भुगतना होगा। सही कहा, हमारे बुरे पाप, हमारे बुरे कर्म, हमारे कर्मों का फल मिल रहा है हमें। सब ऐसे ही बोलते पर हमने ये कर्म किए क्यों? ये किसी ने पूछने की कोशिश तक नहीं की। दादी क्यों किया ये सब? ताकि हमें भी सबका और आजाद प्यार मिल सके। हमारे बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने नहीं सोचा। हमारे सीने में भी दिल है, हमें भी तो तकलीफ हो सकती है ना, हमें भी बुरा लग सकता है, लेकिन नहीं सोचा किसी ने। किसने किया आपने ये कर्म? अब हम तुम्हारे इन झूठे नकली आंसुओं के बहकावे में नहीं आने वाले। हम भावनाओं में नहीं बहेंगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो और बताओ हमारा शिव कहाँ है। मुंह खोलो अपना गौरी, बोलो। तो तुम ऐसे मुंह नहीं खोलोगे ना अपना? सही कहते हैं सब कि तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुम्हारा बच्चा चाहिए ना? हमारा शिव का। हाँ शिव, हमने आपको बताया है ना, आपके बाबू नहीं हम हैं। हम? हाँ मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। आंखें खोलो माँ। हम देखते हैं कैसे तुम हमें हमारे ही बेटे को यहां से जाने से रोक पाती हो। रोक सकती हो? माँ, नहीं, माँ। कोई बचाओ हमारे शिव को, बचाओ। गोपी, जाओ यहाँ से, भागो, अपनी जान बचाओ बेटा, भागो यहाँ से। हमें क्या होगा? जो इस सृष्टि के कण कण में समाया है, उससे भला क्या होगा? अभी तुझे अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना है और गौरी को उसके पापों की सजा देनी है। उठ कृष्णा, हिम्मत कर।
अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।